Hey guys, what is up? My name is Himanshu and welcome to another video. तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने Instagram पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं ऑफिशियली. सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड वहां पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है गूगल में एंड गूगल में आपको सर्च करना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो. तो जो पहला लिंक आएगा आपको उस पर क्लिक करना है. अब बेसिकली आप सोच रहे होगे कि मैं फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में क्यों जा रहा हूँ जबकि मेरे को इंस्टाग्राम का पोस्ट शेड्यूल करना है एक. तो बेसिकली आपको अगर ना पता हो तो इंस्टाग्राम जो है वो एक फेसबुक का ही एक पार्ट है. तो हमको जो शेड्यूलिंग वाला फीचर है फेसबुक ने वो अपने क्रिएटर स्टूडियो में दिया है, विच आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने डायरेक्ट इंस्टाग्राम ऐप में क्यों नहीं दिया. तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है अपने फेसबुक आईडी के थ्रू. तो लॉगिन करने के बाद आपके पास फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो का पेज ओपन हो जाएगा. तो अभी हमको इससे काम नहीं है तो हम डायरेक्ट चल लेते हैं इस टैब में ऊपर जहाँ पे इंस्टाग्राम का आपको टैब दिख जाएगा. तो इंस्टाग्राम में आपको कनेक्ट योर अकाउंट करके आपको टैब दिख रहा है. तो आप कनेक्ट कर लेंगे अपना अकाउंट, ये पॉपअप आएगा इसको ओके करके. देन उसके बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है इंस्टाग्राम का. तो एक और जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका जो पर्सनल अकाउंट है, जैसे ये मेरा बेसिकली पर्सनल अकाउंट है, ये पब्लिक अकाउंट नहीं है. तो अगर मैं इसको लॉगिन करने की ट्राई करूँगा तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा कि आपका अकाउंट जो है वो बिजनेस अकाउंट और एक क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्रिएटर स्टूडियो में लॉगिन कर सकते हैं. तो इसको ओके करके मैं अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ जो कि एक बिजनेस अकाउंट है मेरा जो फोटोग्राफी वाला है. तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर लूँगा. तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ एक पेज देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको सारा ये कुछ देखने को मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ऑल कॉन्टेंट, जो आपके सारे कॉन्टेंट्स हैं उसके आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. जैसे आपका पोस्ट, यहाँ पे आपका पोस्ट स्टेटस है, यहाँ पे आपका डेट है कब आपने डाला था, लाइक्स एंड कमेंट्स. अब लाइक्स एंड कमेंट्स स्पेशली नहीं है क्योंकि एक स्टोरी है. यहाँ पे आप ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, अपनी फोटोज, कैरोसेल स्टोरीज एंड आईजीटीवी वीडियोस भी इनफैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं. और भी आप सब कुछ अपने प्रोफाइल के बारे में, सब कुछ इनसाइट्स एंड ऑल, सब कुछ आप यहीं से चेक कर सकते हैं. तो अभी हम चलते हैं बेसिकली शेड्यूलिंग पे. तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा क्रिएट पोस्ट, जो कि पहले 2019 में मेरे को याद है मैंने एक बार चेक करा था तो हमको तब ये बटन देखने को नहीं मिलता था. अभी अभी रिसेंटली आया है. तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम फीड एंड आईजीटीवी. बेसिकली आप आईजीटीवी की जो वीडियो है वो भी आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं. तो अभी हमको एक पोस्ट शेड्यूल करना है तो हम इंस्टाग्राम फीड पे जाएंगे. तो आपके सामने एक ये छोटी सी विंडो साइड से पॉपअप हो जाएगी. तो यहाँ पर आपको अपना डाल लेना है कैप्शन. और एक और जो अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रिमेनिंग कैरेक्टर्स भी दिखा रहा है कि कितने आप कैरेक्टर्स टोटल टाइप कर सकते हैं अपने कैप्शन में. इवन आपको मेंशन भी दिखा रहा है कि आप 30 मेंशन कर सकते हैं लोगों को, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं करता इंस्टाग्राम हमें. एंड जो हैशटैग्स है वो भी आप सिर्फ 30 ही यूज़ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे अपना कैप्शन डाल लेता हूँ. ओके, सो बेसिकली मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ था ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो. उसके बाद आप यहाँ पर अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं पोस्ट की. उसके बाद यहाँ से मैं इसको फोटो ऐड कर लूँगा ऐड कंटेंट में जाके. तो उसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फ्रॉम फेसबुक पेज. तो आपका अगर फेसबुक पेज पे कोई फोटो या कोई भी कंटेंट पड़ा है जो आप चाहते हैं यहाँ पर अपलोड हो जाए इंस्टाग्राम पे, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं. या फिर अगर आपको कंप्यूटर से, या फिर अगर आप यही सेम मेथड अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फ्रॉम फाइल अपलोड कर देंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा. तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी फाइल, तो ये मेरी अपलोड हो रही है यहाँ से. आप ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी. तो यहाँ पर ये 100% आ जाएगा जैसे ही अपलोड हो जाएगी. उसके बाद आप चाहे तो आप टैग कर सकते हैं इसमें किसी को यहाँ से. उसके बाद आप एडवांस सेटिंग में भी जा सकते हैं अगर आपको कमेंट्स ऑफ करने हैं. तो अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनली कि शेड्यूल इसको कैसे करें. तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में पब्लिश का बटन दिख रहा होगा, पर इसको क्लिक नहीं करना है हमको, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाना है. वहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शेड्यूल. तो मैं इसको शेड्यूल कर लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैं इसमें बेसिकली डालता हूँ 1900. अब बेसिकली ये 24 आवर्स क्लॉक पे काम करता है तो आपको 24 के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा. तो 19 इज इक्वल टू मतलब 7 PM होता है. तो मैं इसको शेड्यूल कर देता हूँ यहाँ से.
उसके बाद यहाँ पर योर पोस्ट इज शेड्यूलिंग दिखा रहा है आपको। उसके बाद जब वो शेड्यूल हो जाएगा, आप एक बार पेज रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑल कंटेंट्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो पोस्ट है, ये जैसा कि आप देख सकते हो एक फ़ोटो है, एंड यहाँ पर आपको पोस्ट जो है वो आपको शेड्यूल दिख जाएगा। एंड आई एम होपिंग कि इंस्टाग्राम हमें यही फीचर जो है अपनी इंस्टाग्राम की ऑफिशियल ऐप में दे दे, ताकि हमको ऐसे क्रिएटर स्टूडियो में जाके शेड्यूल ना करना पड़े। बट लेट्स सी कि कब तक हमको ये फीचर देखने को मिलता है। एंड इन केस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस मेथड से, तो यू कैन कमेंट एंड लेट मी नो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँ आपको कमेंट्स में ही। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं इसी टाइप की फोटोग्राफी एंड इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोज भी बनाता रहता हूँ। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता लग जाए कि इंस्टाग्राम में आप शेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट ऑफिशियली। एंड लाइक दिस वीडियो, मिलता हूं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू सून।